आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मीठे जर्दे पुलाव की रेसिपी। ये बहुत ज्यादा मशहूर है, दावतों में लोग इसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। बूंदी के रायते के साथ ये बहुत बढ़िया लगता है। अगर आपको बूंदी का रायता कैसे बनाना है वो चेक करना है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर लूंगी। इसे बनाना बहुत आसान है, कम टाइम लगता है। मेरी टोटल वीडियो 3-3.5 मिनट की है, तो आप समझ सकते हैं कि बनाना कितना सिंपल है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ सीके। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। इसे बनाने के लिए बेस्ट चावल है या तो बासमती राइस या फिर गोल्डन राइस। मैं यहाँ पे बासमती राइस का यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो कोई और राइस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले चावल को साफ करके अच्छे तरीके से मैंने धो लिया है 5-6 पानी में, और उसके बाद इसे भिगोकर रख दिया है कम से कम आधे घंटे के लिए। आप किसी भी तरीके की बिरयानी या पुलाव बनाते हैं और उसमें अगर पहले से चावल को भिगोकर रखते हैं तो आपका जो पुलाव बिरयानी है वो बहुत ज्यादा बढ़िया बनता है, तो ये टिप आप हमेशा याद रखें। इस जर्दे में बहुत तरीके के ड्राई फ्रूट्स आप यूज कर सकते हैं, बट मैं आज इसमें सिर्फ 2 चीजें यूज कर रही हूँ। एक तो ये ग्रेट किया हुआ कोकोनट, सूखा खोबरा, और साथ में थोड़ी सी लेंगे किशमिश। ये जर्दा पुलाव कलरफुल अच्छा लगता है, तो यहाँ पे मैंने गाढ़ा जो सैफरन कलर होता है आधा चम्मच उसे पानी में मिक्स कर लिया है। ये देखिए इस तरीके का। आप अपने मनपसंद से कोई और कलर भी चाहें तो यूज कर सकते हैं। अब जिस कुकर में या बर्तन में आपको ये पुलाव बनाना है उसमें मैंने डाल दिया है 2 चम्मच घी। घी जैसे ही पिघल जाए इसमें मैंने डाल दिया है 2-3 लवंग। इसके अलावा आप फ्लेवर के लिए इसमें इलायची भी डाल सकते हैं। जब ये अच्छी तरीके से चटक जाए तब हम इसमें चावल और बाकी चीजें भी ऐड करेंगे। आप अगर ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं तो इसी स्टेज में उसे रोस्ट करके बर्तन से बाहर निकाल सकते हैं, जैसे कि बादाम, काजू, पिस्ता, इन सारी चीजों को। अब इस इलायची और लवंग के मिश्रण में मैंने डाल दिए हैं चावल। 1 कप चावल था तो 2 कप पानी में इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी कि आपको डबल पानी यूज करना है। वैसे आप अपने चावल का हिसाब किताब जानते ही होंगे, उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें डाल रही हूँ मैं वो कलर जो मैंने मिक्स करके रखा था। इसमें थोड़ी सी मैंने हल्दी भी डाली है, जो कि ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें वरना सिर्फ कलर से काम चला सकते हैं। अब इन सारी चीजों को हमें मिक्स कर लेना है, और इसमें अब ड्राई फ्रूट्स अगर आप डालना चाहते हैं, अगर आपने पहले से रोस्ट करके रखे हैं जैसे कि बादाम, पिस्ता, वो तो वो भी इसी स्टेज पे आप डाल सकते हैं। मैं फिलहाल इसमें खाली ये किशमिश डाल रही हूँ, और जो मैंने शुरू में ग्रेट करके रखा हुआ था कोकोनट वो भी इसमें ऐड कर देंगे। ये मुट्ठी भर है, आप अपने हिसाब से कम ज्यादा डाल सकते हैं। अब शक्कर जो है जिस क्वांटिटी में आपने चावल लिए हैं बिल्कुल सेम क्वांटिटी में आपको शक्कर डालनी है। मैंने यहाँ पे 1 बड़ा वाला कप चावल का इस्तेमाल किया था, तो उतनी ही सेम क्वांटिटी में मैं इसमें शक्कर डाल रही हूँ। वैसे शक्कर और नमक ऐसी चीजें हैं जो आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। ये एक जनरल नाप है जो मैंने आपको बता दिया है। इस मेजरमेंट से ये परफेक्ट जर्दा पुलाव बनकर तैयार होगा। अब इसमें पहला बॉइल आते ही कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और 1-2 सीटी लगने तक हमें इसे पका लेना है, और उसमें ये बढ़िया बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पे सीटी लग चुकी है। मैंने सारी हवा निकलने के बाद कुकर के ढक्कन को खोला है। एक एक दाना खिला हुआ नजर आ रहा है, कुछ भी चिपका हुआ नहीं है। बहुत अच्छी बढ़िया खुशबू आ रही है। ये बनकर बिल्कुल ही तैयार है। गर्मा गर्म ही आप इसे सर्व करें बूंदी रायते के साथ, या फिर ऐसे भी इसे खा सकते हैं। सजाने के लिए आप इसमें रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। मैंने आज किसी भी ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए इसे सजाने के लिए इसके ऊपर ग्रेटेड कोकोनट डाल रही हूँ। ये सूखा वाला खोबरा है, वही थ्रू आउट द प्रोसेस मैंने यूज किया था। एक बार जरूर करें ये रेसिपी ट्राई, और बूंदी का रायता साथ में बनाएं, झटपट बन जाता है। रेसिपी का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मैंने डाल दिया है। अगर आपको मेरी रेसिपीज और वीडियोस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि फ्यूचर में कोई भी वीडियो मिस ना करें।